हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सूट सिस्टम। जैसे कि हमने गत जो लेसन है उसमें हमने रूट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था, आगे का सूट सिस्टम की हम बात करें तो सूट सिस्टम एक एरियल पार्ट है, अर्थात एक वायवीय पार्ट है जो सीड के जो प्रांकुर जो पार्ट होता है उसके इलोंगेशन से सूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। आगे हम बात करें कि सूट सिस्टम है उसके क्या करेक्टर्स होते हैं, किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है उसकी यदि हम बात करें तो सूट सिस्टम में उसका ट्रंक होता है यानी मेन एक्सिस होता है, स्टेम होता है, ब्रांचेज होती हैं, फ्लोर होती हैं, लीव्स होती हैं, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है इनसे मिलकर सूट सिस्टम का निर्माण होता है। सूट सिस्टम के अंदर हम बात करें टर्मिनल पार्ट या इसके बेस की पार्ट है उसके अंदर, तो इसका जो मेन एक्सिस होता है जैसे स्टेम होता है, स्टेम के जो मेन करेक्टर किस प्रकार से होते हैं, स्टेम होता है वो एक्सिस होता है इसका, और इसकी जो ग्रोथ होती है वो पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होती है। जैसे कि रूट सिस्टम में हमने पढ़ा था कि रूट सिस्टम में नेगेटिव जो प्रकाश होता है उसके ऋणात्मक इसमें वृद्धि होती है रूट सिस्टम में, सूट सिस्टम इसके अपोजिट होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रोफिक होता है, नेगेटिवली जियोट्रोफिक ग्रोथ करता है। इसके अलावा इसमें इसका मेन जो फंक्शन है स्टेम का वो है भोजन का संग्रहण करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना, इसके अलावा इसका कायिक जनन करना, तो ये स्टेम का मुख्य कार्य होता है। इसमें स्टेम के जो अपर पार्ट्स हैं या लेटरल पार्ट हैं उसके अंदर ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर, सीड, फ्रूट, इनका निर्माण होता है। स्टेम के ऊपर मल्टीसेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा स्टेम की अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इसमें नोड हैं, इंटरनोड हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। लीव्स का जो डेवलपमेंट है या ब्रांचेज का जो डेवलपमेंट है वो सामान्यतः पर्व संधि से होता है। मोनोकोट और डाइकोट के जो स्टेम होते हैं, मोनोकोट के अंदर जो नोड हैं, इंटरनोड हैं, सुस्पष्ट होते हैं, डाइकोट के अंदर इस प्रकार की सुस्पष्ट स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। अब इसके अंदर लीव्स हैं, जैसे लीव्स बताया हमने, फ्लावर हैं, सीड हैं। इसके अलावा इसका अगर फंक्शन देखें, फंक्शन ऑफ सूट सिस्टम की बात करें तो सूट सिस्टम में चूंकि लीव्स पाई जाती हैं तो लीव्स का जो मुख्य कार्य होता है आपको बताया प्रकाश संश्लेषण का होता है, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण का कार्य करती हैं। इसके अलावा इसमें ट्रांसपायरेशन का होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसपायरेशन होता है, इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प रूप में पानी का हाश होता है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें कंडक्शन होता है, संवहन का कार्य होता है, अपवार्ड और डाउनवार्ड दोनों तरफ इसमें कंडक्शन पाया जाता है, फूड मटेरियल का कंडक्शन होता है। इसके अलावा मिनरल्स हैं, पानी है, उसका कंडक्शन होता है, रूट सिस्टम या रूट्स के द्वारा जो पानी अब्जॉर्ब किया गया है उस अब्जॉर्ब पानी को विभिन्न भागों तक पहुँचाना, अर्थात लीव्स तक पहुँचाना, स्टेम, ब्रांचेज, इनसे होकर इसका कंडक्शन होता है। इसके अलावा जो हॉर्मोन्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है, प्रोटेक्शन सुरक्षा का कार्य करती है, स्पोर्ट का कार्य करती है। तो इस प्रकार से सूट सिस्टम में इसका ये